हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, चेहरे पर दाग धब्बे होना, झुर्रियों की समस्या, उम्र से पहले ही स्किन है वो लूज पड़ने लग जाती है, एक्ने पिंपल्स की समस्या, ओपन पोर्स की समस्या। उन्हीं में से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है चेहरे पर पिगमेंटेशन होना, यानी कि झाइयों की समस्या होना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, स्किन में बहुत सारे चेंजेज होते हैं और स्किन पे झाइयाँ निकलनी शुरू हो जाती है। बहुत बार क्या होता है, धूप में ज़्यादा बाहर निकलते हैं तो धूप की, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनकी वजह से भी स्किन डैमेज होती है और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे ही उम्र बढ़ती है, किसी भी कारण से अगर हार्मोनल चेंजेज हो रहे हैं तो हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी स्किन पे झाइयों की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं को इस समस्या का सामना करना पड़ जाता है। प्रेगनेंसी के बाद चेहरे पर झाइयों की समस्या बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा अगर आपके न्यूट्रिशन की कमी है या फिर आप केमिकल वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, मेकअप का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, स्किन पे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट गलत तरीके से यूज़ करते हो, तो उन सब की वजह से स्किन है वो ख़राब होने लग जाती है। तो किसी भी कारण से अगर आपकी स्किन पे झाइयाँ पड़ी हो तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि मैं आपको सिर्फ दो ऐसे बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके बताने जा रही हूँ जो आपको सिर्फ घर पे इस्तेमाल करना है। रेगुलर बेसिस पे अगर उनको इस्तेमाल करते हो तो आपकी झाइयों को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हो, फिर से आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और बेदाग बना सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से इफ़ेक्टिव तरीका है जिनकी मदद से आप अपनी झाइयों को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं चेहरे पर लगाने के लिए, बहुत सारी क्रीम ऐसी आती है जो मिलेज्मा या पिगमेंटेशन को ठीक करने का दावा करती है, लेकिन घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो न तो आपकी स्किन पे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, न ही आपकी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो ख़त्म होता है। तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है जायफल से झाइयों को ठीक करना। जायफल एक बहुत ही फ़ायदेमंद तरीका होता है। ये एक ऐसी, अगर हम बात करें तो किचन का मसाला है जो बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें उसका अर्क दिया जाता है। अगर किसी बच्चे को खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है तो भी जायफल का थोड़ा सा अर्क दे के उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये एक आयुर्वेदिक औषधि भी मान सकते हो, लेकिन इससे आप अपने चेहरे की पिगमेंटेशन यानी कि झाइयों को भी ठीक कर सकते हो। वो कैसे करते हैं वो जानते हैं। आपको जायफल को पीस कर उसका पाउडर बनाना है और चौथाई चम्मच पाउडर को आपको करना है, और चाहो तो थोड़ा सा नारियल का तेल भी उसमें ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अदरवाइज इन दोनों को, यानी कि एलोवेरा जेल और जायफल का जो पाउडर है उसको मिक्स करके एक अच्छा सा क्रीमी सा पेस्ट बनाना है और इसको अपने झाइयों पे अच्छे से लगाना है। कुछ देर तक मसाज करना है, फिर 15 मिनट तक इसको अप्लाई करके ऐसे ही रख देना है। या आप रात के समय में कर सकते हो या फिर सुबह भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट के बाद अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आप ये कंटिन्यू कुछ दिन तक कीजिए, आपको बहुत जल्दी आपकी जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगी। इस स्किन में मिलेनिन नाम का प्रोडक्ट होता है और ये मिलेनिन का प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारी स्किन पे झाइयों की समस्या होने लग जाती है। धूप की वजह से ये मिलेनिन है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाता है, लेकिन अगर आप जायफल और एलोवेरा जेल का ये लगाते हो, पेस्ट लगाते हो, तो ये आपके मिलेनिन को कम करने में हेल्प करता है। बात करें हम एलोवेरा जेल की, तो ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एजिंग, एंटी टैनिंग गुण पाया जाता है, साथ ही एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है जो आपकी स्किन के दाग धब्बों को दूर करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, अंदर से नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन देता है और हाइड्रेट रखता है। साथ ही आपकी स्किन के दाग धब्बों को भी दूर करता है। तो जब आप जायफल के साथ इसका कॉम्बिनेशन करते हो तो इससे आपकी जिद्दी जो झाइयाँ होती है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है और कुछ ही दिनों में आपकी स्किन है वो एकदम से लाइट नज़र आने लग जाएगी। लेकिन हर चीज़ को, ऐसा नहीं है कि आपने अभी किया और आपके दूसरे दिन ही झाइयाँ हैं वो ठीक हो गई है। आपको थोड़ा वक्त देना होगा, टाइम लगता है। होम रेमेडी कोई भी हो उसमें हमेशा थोड़ा वक्त लगता ही है। ये तो है कि जायफल से आप अपनी झाइयों को कैसे ठीक कर सकते हो। अब दूसरा जो तरीका है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, वो है आलू का रस। आलू के रस में भी एंटी
टैनिंग गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, साथ ही उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है। आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो इससे आपकी स्किन के दाग धब्बे दूर होते हैं, आपकी स्किन टाइट होती है यानी कि झुर्रियों की समस्या भी दूर होती है, साथ ही साथ आपके ओपन पोर्स और ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स की समस्या तो दूर होती ही है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है झाइयों पर। झाइयों की जब भी बात आती है तो हर लोग, या आपने अपने दादी नानी के नुस्खे भी देखे होंगे, उन्होंने बोला है आलू का रस आप अपनी स्किन पर लगाइए, इससे आपकी स्किन बेदाग बनती है, साथ ही आपकी स्किन का कालापन दूर होता है, आपकी शेड है वो लाइट होती है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है स्किन की झाइयों को दूर करने का। अब जानते हैं कि किस तरीके से हमें इसको लगाना है। आप आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लीजिए और उस रस में थोड़ा सा आप गुलाब जल ऐड कर लीजिए और अपनी स्किन को सबसे पहले तो अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने का मतलब यह है कि जितनी भी धूल मिट्टी के कण होते हैं स्किन से उनको रिमूव कर लीजिए, फिर ड्राई कर लीजिए टॉवल की मदद से, फिर ये जो आलू का रस है उसको अपनी स्किन पे अच्छे से पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए, जहाँ जहाँ झाइयाँ हैं वहाँ थोड़ा थिकनेस में अप्लाई कर लीजिए और फिर 15 से 20 मिनट तक टाइट होने के लिए छोड़ दीजिए। और 15 से 20 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। इससे आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में एक तो आपकी स्किन लाइट होने लग जाएगी, अगर आपकी टैनिंग की प्रॉब्लम है वो दूर होने लग जाएगी, दाग धब्बे हैं वो भी ठीक होने लग जाएगी और झाइयाँ हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। साथ ही आप अगर आलू के रस को ऐसे निकाल के इस्तेमाल नहीं करना चाहोगे तो आप डायरेक्ट आलू की स्लाइस कट कीजिए और सिर्फ स्लाइस को भी अपने चेहरे पर ऐसे रब कर सकते हो। हमेशा याद रखिए कि आलू को काट कर छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ दिया तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसका जो गुण है वो भी खत्म हो जाता है। तो डायरेक्ट कट करके डायरेक्ट अपनी स्किन पे आपको अप्लाई करना है और कुछ देर तक 5 से 5 मिनट तक रब करने के बाद 15 मिनट तक ऐसे ही लगे रहने दीजिए, फिर आप वॉश कर लीजिए। ये भी काफ़ी इफेक्टिव तरीका होता है अपनी स्किन की पिगमेंटेशन और झाइयों को ठीक करने का। तो ये जो दोनों तरीके मैंने बताया है, आलू के रस और जायफल का, ये काफ़ी मतलब कंपेयर करें इसका, पर बहुत सारे और भी नुस्खे होते हैं क्योंकि घरेलू चीज़ें बहुत सारी ऐसी है जिनकी मदद से आप अपने दाग धब्बे भी ठीक कर सकते हो और आप अपने पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम दूर कर सकते हो, ओपन पॉर्स की समस्या भी दूर कर सकते हो, स्किन को भी टाइट कर सकते हो और पिगमेंटेशन की समस्या भी ठीक कर सकते हो। लेकिन इनमें थोड़ा वक्त लगता है, मैंने पहले ही बताया है। तो ये सबसे अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर आप लोगों के आलू का रस सूट नहीं होता है, वैसे तो इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी हो सकता है कुछ लोगों के सूट ना हो, तो टोमेटो का रस होता है ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। इससे आपकी स्किन ग्लोइंग बनती है, टैनिंग दूर होती है और इसके अंदर ऐसे मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जो एक्ने और पिंपल्स को भी दूर करने में हेल्प करती है। तो आप टमाटर के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने में और साथ ही साथ झाइयों को ठीक करने में, अगर आप आलू के रस का या फिर जायफल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो। ये भी काफ़ी इफेक्टिव तरीका है। हमेशा कोई भी ट्रीटमेंट अपनी स्किन पे करते हो तो उससे पहले पेच टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। पेच टेस्ट का मतलब हो गया कि आप अपने हाथ के पीछे की तरफ थोड़ा सा पोर्शन जो आप अप्लाई करने वाले हो अपनी स्किन पे उसको लगाना है, लगाने के बाद 24 आवर के लिए छोड़ देना है, मतलब कि कोई भी रिएक्शन या कोई एलर्जेटिक प्रॉब्लम या आपके कोई जलन तो नहीं हो रही है। अगर कुछ भी जलन वगैरह नहीं हो रही है तो आप मतलब बेझिझक होकर अपनी स्किन पर ये प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये होम रेमेडी से आप अपनी स्किन की झाइयों को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है, वो है स्ट्रेस। अगर आप अपने अपने आप को खुश नहीं रखोगे, अगर आप डिप्रेशन में हो या स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो ये आपकी स्किन को और ज़्यादा डैमेज कर देती है। तो हमेशा अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है, नींद नहीं ले पा रहे हो प्रॉपर, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपने आप को मतलब खुश रखना है और स्ट्रेस को जितना हो सके कम रखिए, इससे आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। साथ ही न्यूट्रिशन की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्किन ख़राब होने का। तो अगर आपके किसी भी कारण से आप मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप जंक फूड्स खा रहे हो या ऑयली फूड्स ज़्यादा खा रहे हो तो उनका कम से कम सेवन कीजिए और धूप में जब भी बाहर निकलो तो अच्छे से अपने आप को कवर करके जाइए, यानी कि सनस्क्रीन लगा के जाइए और सन ग्लासेस लगा के जाइए और साथ अपने आप को कपड़े से या किसी से कवर करके जाइए ताकि सन की जो डायरेक्ट रेज है वो आपकी स्किन पे ना हो और आपकी स्किन डैमेज ना हो। हार्मोनल इम्बेलेंस की अगर समस्या है, आपको पीरियड्स इरेगुलर है या प्रेगनेंसी के दौरान आपकी झाइयों की प्रॉब्लम है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए और अपने स्किन को कुछ भी होने से बचाइए। तो ये है हमारा आज का
टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।